हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ खीर बनाने की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी, जिससे आपकी खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी। साथ ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो खीर बनाते वक्त हमें ध्यान रखनी होती है एकदम परफेक्ट टेस्ट के लिए, साथ ही वो सभी प्रॉब्लम्स जो खीर बनाते वक्त बहुत से लोगों के साथ आ जाया करती है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें जिस भी बर्तन में खीर बनानी है मोटे तले का वो बर्तन होना चाहिए, जिसे हमें घी से ग्रीस कर लेना है। फिर उसमें दूध को निकाल लेना है और दूध को गैस पे चढ़ा लेना है। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे हम चावल निकाल लेंगे भिगोने के लिए। तो मैं खीर बनाने के लिए दो तरह के चावल इस्तेमाल करती हूँ, बासमती के साबुत चावल और बासमती। मैं आज 3 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के चावल भिगो लिए हैं। 2.5 मुट्ठी तो मैंने बासमती के साबुत चावल लिए हैं, ये इंडिया गेट बासमती चावल है। और साथ ही 1/2 मुट्ठी कणकी वाले चावल हैं, जो बारीक कणकी आती है, खिचड़ी वगैरह में हम काम में लेते हैं, उन्हें मैंने भिगो लिया है। तो आप देख सकते हैं दूध में अभी उबाल नहीं आया है, पर जब तक ये दूध बॉयल नहीं हो रहा है तब तक भी हमें बीच बीच में इसे हिलाते रहना होता है, ताकि दूध तले में ना लग जाए। चावल को भिगोए हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। अभी चावल एकदम तैयार है दूध में मिक्स करने के लिए, पर दूध में अभी उबाल आना बाकी है। जब दूध एकदम अच्छे से ऊपर आने लगेगा, उस मोमेंट पे चावल हम ऐड करेंगे। तो खीर को जब भी आप दूध को हिलाएं, तो जो बीच वाला तला होता है जहाँ पे हीट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस सरफेस को ज़रूर अच्छे से हिलाएँ, नहीं तो जहाँ पर ज़्यादा हीट लगती है वहाँ पर बहुत जल्दी से दूध लग जाता है। तो खीर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दूध को, और इसमें हमने चावल इंक्लूड कर दिए हैं। दूध का शुरुआती उबाल लेते वक्त गैस का फ्लेम हाई रखा जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी का दूध है, अगर लो फ्लेम पे गर्म करेंगे तो दूध गर्म होने में ही लगभग 1/2 घंटा लग जाएगा। तो हाई फ्लेम पे दूध को गर्म किया जा सकता है, बट इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे तो तले में लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो शुरुआती उबाल के बाद में चावल भी इसमें डाल दिए हैं और चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल मिक्स करने के बाद में दूध के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इस मोमेंट पे गैस को फ्लेम को कम करके इसे बॉयल होने के लिए छोड़ा जा सकता है। बट फिर भी कम से कम 10 मिनट बाद में आप इसे संभाल लें, कहीं ये तले में ना लग जाए। बहुत से लोग खीर बनाते वक्त उसे हिलाना बीच बीच में भूल जाते हैं और उनकी खीर तले में लग जाती है, जिसकी वजह से पूरी खीर में जले की स्मेल हो जाती है। अभी उस स्मेल को कैसे फिक्स करना है उसकी भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बट आप कोशिश यही कीजिएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप खीर बनाते हैं तो इस तरीके से मलाई जो बर्तन होता है उसके साइड में इकट्ठी होती रहती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि बीच बीच में आप गर्म दूध को उस एरिया पे डालिए जहाँ पे मलाई इकट्ठी हो गई है, और चम्मच की हेल्प से जो मलाई है उसे अपने खीर में मिक्स करते रहिए। इस तरीके से जो पतीला है वो भी गंदा नहीं होगा, और जितनी भी रबड़ी इकट्ठी हो रही है मलाई की भगोने के साइड में, वो खीर में जब इकट्ठी हो जाएगी तो जो हमारी खीर है वो बहुत ही रबड़ीदार और बहुत टेस्टी बन के निकलेगी। कोशिश कीजिए कि खीर को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। जब चावल का दाना कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उस मोमेंट पे इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर से इंक्लूड करें। ये बादाम और काजू का पाउडर है, मैं हमेशा इसे बना के फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, जब भी खीर बनाती हूँ इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। इसकी वजह से जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है, जो खीर है उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। इसी मोमेंट पे पिस्ता का पाउडर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। पिस्ता का टेस्ट भी खीर में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं केवल काजू बादाम का पाउडर ही इंक्लूड कर रही हूँ। काजू बादाम का पाउडर इंक्लूड करने के साथ ही मैंने इसमें केसर की कलियाँ भी इंक्लूड कर दी हैं। केसर और ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स करने के बाद में कुछ देर बॉयल करेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके बाद में इसमें शक्कर इंक्लूड कर देंगे। एक परफेक्ट खीर बनाने का जो मेजरमेंट है वो है 1 किलो दूध, 40 ग्राम चावल और 100 ग्राम शक्कर। अगर मुट्ठी की बात करें तो 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल और 2 से 2.5 मुट्ठी के बीच में शक्कर लेनी होती है। एक दूसरी समस्या जो कई लोगों के साथ आती है वो ये कि खीर बहुत पतली पतली बनती है। तो खीर गाढ़ी बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि खीर को आप अच्छे से रड़ाएँ, जो मलाई साइड में आ रही है उसे आप खीर में मिक्स करते रहें। पर आपको बहुत इंस्टेंटली खीर रेडी करनी है, इतना टाइम नहीं है, तो आप खीर बनाते वक्त मेरी तरह किनकी ज़रूर से इंक्लूड करें। और फिर भी आपकी खीर थिक नहीं हो रही है,
तो कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप दूध में मिक्स करके अपने खीर में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ब्रेड के स्लाइस को क्रश करके इसमें बॉयल करेंगे तो ब्रेड की वजह से भी जो खीर है वो रबड़ीदार टेक्सचर देगी। जब हम खीर में शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो टेक्सचर है खीर का वो और पतला हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ शक्कर ऐड करने के बाद लगभग 15-20 मिनट और उसे बॉयल करूँ, ताकि जितना भी पानी शक्कर ने रिलीज़ किया है वो फिर से गाढ़ा हो जाए और जो हमारी खीर का टेक्सचर है वो एकदम थिक बना रहे। तो यहाँ पे 10-15 मिनट होने वाले हैं। इस मिनट में मैंने किशमिश और काजू धो के तैयार कर लिए हैं खीर में इंक्लूड करने के लिए। बहुत से लोग इस मोमेंट पे चिरौंजी भी इसमें इंक्लूड करते हैं, बट पर्सनली मुझे चिरौंजी का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं खीर में इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो खीर का टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। केसर इंक्लूड करने की वजह से जिसका कलर है वो भी स्लाइटली चेंज हो गया है, केसरिया कलर इसमें हल्का हल्का आने लगा है। एकदम परफेक्ट टेक्सचर है ये खीर का। इस मोमेंट पे मैं खीर को बंद कर दूंगी, पर उससे पहले साइड में जितनी भी रबड़ी इकट्ठी हुई है खीर के साइड पोर्शंस में उन सबको खीर में इंक्लूड कर लेंगे। मैं अक्सर अपने खीर को बनाने के लिए जो पैकेट वाला मिल्क आता है डेयरी वाला वही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर लगता है। और डेयरी मिल्क में भी मैं गोल्ड वाली थैली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जो टोंड और ताज़ा वाला मिल्क आता है उसका, उससे खीर बहुत अच्छी बनके तैयार होती है और तले में लगने का रिस्क भी नहीं होता है। मैंने एक बार गोल्ड वाली थैली ट्राई की थी खीर बनाने के लिए, पर वो बहुत जल्दी ही तले में लग जाती है, तो मैं उस दूध से खीर नहीं बनाती हूँ। हाई साइड के बर्नर पे लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है और लगभग 2 घंटे में खीर बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं 3 किलो दूध मैंने यूज़ लिया था, तो लगभग 1 किलो दूध जो है वो रट चुका है। अभी खीर 2 किलो दूध की ही रह चुकी है। और लास्ट में मैंने इसे गैस बंद करने के बाद इलायची पाउडर इसमें इंक्लूड किया है और इसे कवर कर दिया है। तो अगर आप भी अपनी दादी नानी के हाथ का टेस्ट मिस करते हैं खीर का, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।